हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और गाइस, अभी हम जयपुर में ही हैं, 2 दिन तो हो गए हमें जयपुर में। और अभी सुबह के 8:30 बज रही थी, अभी उठे हम लोग, अभी नीचे ब्रेकफास्ट करने जाएंगे। ब्रेकफास्ट लग चुका है तो, और उसके बाद देखते हैं आज कहाँ कहाँ हम घूमने जाएंगे, क्या क्या शॉपिंग करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और नाश्ते में मैंने लिए हैं आलू मटर की सब्ज़ी, पराठा, चाय, पोहा भी है, सैंडविच भी है, जो भी पसंद है वो ले सकते हैं। और अभी टाइम 4:30 बज रहे हैं शाम के, और हम निकल गए हैं आज घूमने जा रहे हैं हम चौकी धानी। आज बच्चों को चौकी धानी घुमाएंगे। और अभी हम पहुंच गए हैं चौकी धानी, तो 5:30 बजे का टाइम हो रहा है अभी। और ये एंट्री है यहाँ की, तो पर पर्सन का 800 रुपीज़ टिकट है यहाँ पर, उसमें डिनर भी इंक्लूड है। तो अभी हम सबके लिए टिकट ले रहे हैं, और अभी यहाँ पर बस चेकिंग वगैरह करेंगे, पर्स वगैरह चेक करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे नहीं होता ना, थोड़ा सा नमकीन ये क्या है? राबड़ी है बाजरे की, फिर देखो आपको बहुत अच्छी रहती है। और ये जो राबड़ी पी रहे हैं ना, ये छाछ में बाजरे का आटा, नमक और जीरा मिला के बनाते हैं, और बहुत टेस्टी होती है, नमकीन सा टेस्ट होता है इसका। और इसके अंदर कोई फ्री नहीं है कुछ चीज़ें, मतलब जो भी आपको खाना है वो आपको पे करके ही ख़रीदना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने चाय पकौड़ी ली है, तो ये देसी खाट है, यहाँ पे बैठे हुए हैं हम लोग और चाय पकौड़ी खा रहे हैं, और साथ में डांस भी इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर कितने प्यारे स्टैचू बनाए हुए हैं, जैसे पहले गांव में किस तरीके से कुएं से पानी भरते थे ना लोग, उस तरीके से बनाया हुआ है। और मैंने भी यहाँ पर एक फ़ोटो क्लिक करवाई अपनी। और यहाँ पर पंडित जी बैठे हुए हैं पैरेट लेके, तो इसको बाहर निकालते हैं। ये बाहर आके जो भी कार्ड चूज़ करता है उसके अंदर फिर क्या लिखा हुआ है क्या नहीं, पंडित जी पढ़ के बताते हैं। और ये बायोस्कोप है, इसमें राजस्थान के जितने भी कल्चर के बारे में दिखाते हैं, मतलब जो किले वगैरह होते हैं राजस्थान के बारे में सब बताते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह, तो बच्चे देख रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बच्चे गेम खेल रहे हैं, गेम के भी काफ़ी सारे अलग अलग हैं यहाँ पर गेम खेलने के लिए। तो अगर आप गेम खेलोगे, कितने भी गेम खेलना है, आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ खाना है, वो सब चार्जेबल है, उसका चार्ज लगता है। बाकी आप डिनर करेंगे ना, तो डिनर का यहाँ पर चार्ज नहीं लगेगा, वो हमने जब टिकट ली थी उसके अंदर ही इंक्लूड है। और ना जैसे हम यहाँ आए ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे बचपन में हम कभी मेले में जाते थे ना, बहुत सारे गेम खेलते थे, लकड़ी वाले जो झूले होते थे उसमें झूलते थे, बस ऐसा ही फील हो रहा है। यार एकदम बीच में, ओ ये और जब भी हम जयपुर आते हैं ना, तो चौकी धानी हमारा फेवरेट है। चौकी धानी तो हम हमेशा आते हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है बच्चों को भी यहाँ आकर। और ना चौकी धानी के अंदर शॉप्स वगैरह भी है, कपड़ों की, बैंगल्स वगैरह की, होम डेकोरेशन की। तो ये सारे होम डेकोरेशन के आइटम्स वगैरह हैं, ट्रेडिशनल है सब, और बैंगल्स भी हैं।
और ये है राइस राइटिंग, मतलब जो आप चावल के दाने के ऊपर अपना नाम लिखवा सकते हो। तो यहाँ पर हम कोई भी एक की चेन चूज़ कर लेंगे, उसके बाद फिर ये भैया जो भी हमारा नाम है वो एक चावल का जो एक दाना होता है उसके ऊपर लिख के फिर इसमें अच्छे से फिल करके आपको देते हैं। तो तनु ने वही अपना नाम लिखवाया है। और ये है हल्दी घाटी युद्ध के बारे में, और यहाँ पर ना पूरा हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था ना उसके बारे में बताया हुआ है, पूरा वैसे बनाया हुआ है। बादलों में वो क्षमता कहाँ है जो उगते सूर्य को रोक सके। ये जो बंदा था ने अपना बेटा सुला दिया था ना, दीपदान। और यहाँ पर पन्ना धाई ने अपने बेटे का कैसे बलिदान दिया था उसके बारे में बताया हुआ है। ओ उधर को जाएंगे, वो कुंड का है ना वो। हजूर ये तो बहुत तंग रास्ता है, और हम लोगों का तो बहुत बार देखा हुआ है चौकीदानी, बट मेरे जो भाईसा है ना उन्होंने नहीं देखा था। तो उनका बड़ा मन था कि मुझे चौकीदानी घूमना है, देखना है कैसा है। भाभी साहब के मुंह से बड़ी तारीफ सुनी है मैंने, तो उनको बड़ा अच्छा लगा, वो बहुत खुश हुए यहाँ के। और ये बहुत ही प्यारा मंदिर है यहाँ पर, और इसको भी हमने आधा ही देखा, आधा तो हमने देखा ही नहीं। काफ़ी टाइम हो गया था हम लोगों को भी घूमते घूमते, तो बस यहीं आके बैठ गए थे। और ये जो प्राचीन संस्कृति के ऊपर ये भव्य मंदिर बनाया हुआ है यहाँ पर, और पानी का कुंड भी है, तो इस तरीके से इसको बनाया हुआ है। और बहुत शांति मिलती है यहाँ पर, इसलिए हम सब बैठे हुए हैं थोड़ी देर यहाँ पर। जाती थी पहले जमाने में होती थी ऐसे तीर क्या। और यहाँ पर ये जो रानी पद्मावती जी ने जौहर किया था ना उसके बारे में सारा बताया हुआ है। सब स्टैचू बनाए हुए हैं, और यहाँ पर जौहर कुंड भी ये जब सब बनाया हुआ है। और अभी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर डिनर, लहसुन चटनी पुदीना चटनी के लिए एक जैसे बाजोट रखे हुए हैं, बाजोट के ऊपर ये थाली रखी हुई है। और बहुत ही स्वादिष्ट खाना है यहाँ का। तो खाने में है आलू प्याज की सब्जी, सरसों का साग, बेसन गट्टे की सब्जी, दाल कड़ी, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, पकौड़ी, मक्खन है ढेर सारा, दो तीन तरह की चटनी है, चूरमा है। और इस खाने के बाद मीठे में आपको मालपुए देंगे, जलेबी देंगे, सब अनलिमिटेड खाना है यहाँ पर, आप कितना भी खा सकते हो। बाटी, दाल में चूर के जीमो बाटी। हाँ, बाटी। बाटी, दाल में चूर के जीमो जी। ठीक है बाबू जी। हाँ जी, इधर देखो, स्माइल करो बाबू जी, खाना खा रहे हो अब तो, जल्दी नंबर आ गया आपका, वरना वेटिंग में लगते हैं। हाँ जी, इधर देखो। लो जी, हो गया फोटो नहीं खींचने, सब उसमें भी हो गया। तो डिनर कर लिया हम सब ने, और अब बच्चे कर रहे एलिफेंट राइड। अभी बच्चों का चौकीदानी घूमना बाकी है, और बहुत सारे अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी छूट गई है ना कि मैंने वीडियो बनाया ही नहीं है। अभी तो हम आधा ही घूमे हैं, अभी तो बहुत सारा यहाँ पर है घूमने के लिए।
और हम भी बैठे हैं, कैमल राइड कर रहे हैं हम सब। इसको बोलते हैं ऊँट की बग्गी, तो ऊँट की बग्गी में बैठे हैं हम। और कोई भी एक्टिविटी करें आप, कोई भी गेम खेले, ज़्यादा चार्ज नहीं है, 20 रुपीज़ हैं या 25 है या 50 रुपीज़ ही लगते हैं, वो भी पर पर्सन। ऋषभ ऐसे ही करता है। हर तरह की बग्गी है यहाँ पर, आप हॉर्स राइड भी कर सकते हो। ये देखिए बैलगाड़ी भी है, इसमें भी आप बैठ सकते हैं। ये सब चार्जेबल है, चार्ज लगता है इन सब का। और अभी यहाँ पर आए हम लोग, तो इस तरफ हो रहा है पपेट शो, तो पपेट शो देख रहे हैं हम लोग। और अब ये मतलब ये भैया ही बोल रहे थे कि सनी देओल है, और इसके बाद अब करीना कपूर करेगी डांस, तो ये करीना कपूर बेली डांस कर रही है। बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया सही में वहाँ पर। उसके बाद ना ये भैया यहाँ पर छतरी बनाएंगे। छतरी कैसे बनाएंगे, ये अपने होंठ और जुबान की सहायता से ये छतरी बना रहे हैं, बीच में जो हल्की सी पतली सी लकड़ी लगा के। अभी हम निकल गए हैं वहाँ से, अभी बहुत सारी चीज़ें और कैप्चर करनी बाकी थी, लेकिन हमें टाइम भी काफ़ी हो गया था, और फिर बाईसा को भी आज रात को ही निकलना है। और आई होप आपने भी हमारे साथ चौकी धानी को अच्छे से इंजॉय किया होगा। अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।